नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैं डॉक्टर के सी सिन्हा की कक्षा 7.4.2 का प्रश्न संख्या 15 तक के हम लोग किए थे सोल्यूशन। आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 का सोल्यूशन करेंगे। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघाती समीकरण के हल मूल यानी यदि संभव हो तो ज्ञात करें। देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे है, 5x² - 6x - 2 = 0, इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो इसको हल करने के लिए किस तरह से हमारा विधि काम करता है, सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा अच्छा से समझाया जाएगा, इसीलिए ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है, 5x² - 6x - 2 = 0, इसको हम लोग को करना है पूर्ण वर्ग विधि से हल। तो हल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर, क्या लिखना है, x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर। अब ये x² को पहचानना है, x² कहाँ पे है, तो ये देखिए क्या है, 5x², इसका गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, 5। तो इससे क्या करना है, 5 से दोनों पक्षों में भाग देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5x² - 6x - 2 = 0। अब क्या करना है कि दोनों पक्षों में भाग देना है, कितना से, x² के गुणांक से। तो x² का गुणांक कितना है, 5 है, तो 5 से यहाँ भाग दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा फिर 5 दोनों पक्षों में भाग देंगे, क्योंकि एक एक तरफ अगर जो इसको समझिए कि बराबर कुछ भी करते हैं हम लोग तो बराबर के दोनों पक्ष में करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो 5x² इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, -6x और बट्टा में 5, -2 और बट्टा में 5 = अब ये देखिए भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अब ये से ये कट गया, यहाँ पे बच गया x² - 6x और बट्टा में 5, इसको उस साइड भेज देंगे तो +2/5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक रूल और लिखेंगे, वो है कि दोनों पक्षों में 1/2 × x का गुणांक के स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या करना है, यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करना है, 1/2, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/2 × x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे कितना है, -6/5, इससे क्या करना है, इसको स्क्वायर करके अब जोड़ देना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, x का स्क्वायर रहने देना है और -6x/5, अब हमको जोड़ना है तो जोड़ का निशान देंगे, कितना जोड़ना है, 1/2 और इंटू एक्स का गुणांक कितना है, -6/5, तो -6/5 इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। और बराबर इस साइड भी जोड़ना है तो 2/5, जोड़ना कितना है, तो 1/2 × x का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है, -6/5 और इसका स्क्वायर करके जोड़ना है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 6/5x रह जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इसके अंदर, देखिए ये गुना होगा तो क्या हो गया, -6 × 1 तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस में और 5 × 2 = 10, यानी कि ये -6/10 का स्क्वायर हो जाएगा = अब यहाँ पे कर लेते हैं 2/5 और प्लस में हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी तरह से आएगा -6/10 लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे आप, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 और बट्टा में 5 × 2 = कितना हो जाएगा, 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है ना। और ये तो माइनस तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, अब यहाँ पे बच गया एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे, देखिए ये ए स्क्वायर और ये -2ab + b², यानी कि इसको हम लोग इस फॉर्म पे रख सकते हैं, ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर रख सकते हैं। जब इसको आप रखिएगा तो आपको इसी तरह से आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस -6/10 का होल स्क्वायर, इसको आप इस तरह से, इसको आप जब तोड़िएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर -6/5x + 6/10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर लिए हैं, अब यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं तो आएगा 100 भाग देंगे तब यहाँ पे आएगा 20 × 20 = 40 और प्लस में यहाँ पे 1 × 1 = 36 = 36, ठीक है, इतना आ गया। इतना आने के बाद अब देखिए क्या करना है, ये रहेगा हमारा x माइनस सिक्स इतना का
और बट्टा में क्या है 10 इतना का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर में क्या हो जाएगा जोड़कर 76 और बट्टा में हो जाएगा क्या 100। अभी यह स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो इधर में बच गया x माइनस 6/10, इधर में हो जाएगा रूट के अंदर 76/10, क्योंकि स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो रूट में हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो x माइनस में 6/10 इक्वल टू, यहाँ पे रूट 76 रह जाएगा और ये निकलता है प्लस माइनस के साथ, बट्टा में 10 100 को निकालेंगे तो 10 निकल जाएगा यानी 10 आएगा हमारा। अब यहाँ से क्या करना है, ध्यान देने की बात है, यहाँ पे x माइनस 6/10 और इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस क्या है रूट अंडर 76 बट्टा में क्या है 10। यहाँ से दो मान निकलेगा, पहला तो x बराबर यहाँ पे इसको उस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, इधर की माइनस में है इस साइड आएगा तो प्लस में यानी 6/10 हो जाएगा, और ये एक बार प्लस में लेंगे प्लस में रूट अंडर 76 और बट्टा में 10। एक बार और क्या हो जाएगा x बराबर में 6/10 और माइनस में क्या हो जाएगा 76 रूट अंडर 76/10। अब ये माइनस कहाँ से आ गया, तो ये रूट से जब बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस के साथ निकलता है, यहाँ पे 10 निकला है तो ये प्लस माइनस साथ में निकलेगा, इसलिए यहाँ से दो मान भी निकलेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 6 और प्लस यहाँ रूट अंडर 76, ठीक है। इसी तरह से यहाँ निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ भागा देंगे 1 6 और माइनस में क्या हो जाएगा रूट अंडर 76। तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू 2 निकल गया, 2 वैल्यू निकल कर आया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगर जो नहीं समझ में आया होगा तो आगे में देखिए समझिए। देखिए उसी तरह से इसको भी सोल्यूशन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना होगा। एक्स एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन है, तो 2 है, तो इससे क्या करना है दोनों पक्षों में भाग देना है, तो दोनों पक्षों में भाग देना है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x² माइनस में क्या है 5x और प्लस में क्या है 3। इसमें भाग देना कितना से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, तो 2 से भाग दे देंगे इक्वल टू 0/2, इधर भी 2 से भाग दे देंगे। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2/2x² माइनस में 5/2x और प्लस में 3/2 और इक्वल टू इसको भाग देंगे तो 0। इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स का स्क्वायर और माइनस में 5/2x और इसको उस साइड भेज देंगे तो इसको उस साइड भेजेंगे तो -3/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब सेकेंड काम यहाँ पे होता है हमारा, देखिए सेकेंड काम होता है दोनों पक्षों में 1/2 इंटू यहाँ पे इंटू एक्स का गुणांक के स्क्वायर करके जोड़ने पर, तो 1/2 कितना जोड़ना है 1/2 इंटू एक्स, तो ये तो रह जाएगा पहले एक्स स्क्वायर माइनस में 5/2x और इसमें जोड़ना है, जोड़ का निशान देंगे इंटू देंगे 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना -5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 और बट्टा में 2 यहाँ पे हो जाएगा इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हमको इसका स्क्वायर करके जोड़ना था तो स्क्वायर करके जोड़ दिए हैं इक्वल टू, इधर में क्या है -3/2 और जोड़ना कितना है प्लस 1/2 इंटू एक्स का गुणा कितना है -5/2 और इसका स्क्वायर करना, ये हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 5/2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये हो गया प्लस, ये प्लस हो गया माइनस 5 में 1 से गुना तो -5 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू, यहाँ पे -3/2 रहेगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए गुना होगा तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 दूनी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब आगे में सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे आगे में कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है माइनस क्या है 5/2 है और एक्स है, और क्या है प्लस में क्या है 5/4 इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो दोनों में एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 16 एलसीएम, यहाँ भाग देंगे तो 8 8 3 कितना हो जाएगा 24 यानी -24, यहाँ पे प्लस है तो प्लस भाग देंगे 1 25 में गुना एक्स गुना तो 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, ये जब इसको x माइनस 5/4 का
होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर माइनस पांच बटा दो एक्स प्लस में पांच बटा चार का होल स्क्वायर। ये बीच में माइनस है तो माइनस इधर से चला जाएगा और इक्वल टू इस साइड। अब देखिए ये क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे पच्चीस में से चौबीस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, पच्चीस में से चौबीस गया तो बचा गया वन, वन बटा क्या हो जाएगा सोलह, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो आएगा एक्स माइनस में पांच बटा चार, इसको उस साइड भेजेंगे तो रूट अंडर वन बटा सोलह। यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस पांच बट्टा में चार इक्वल टू रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस के साथ निकलता है वन बट्टा चार निकलेगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये माइनस पांच बट्टा चार को उस साइड भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा पांच बट्टा चार इस साइड प्लस में, और ये देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे वन बट्टा चार, और दूसरी बार x बराबर क्या लिखेंगे पांच बट्टा चार, और ये एक बार माइनस में लिखेंगे वन बट्टा चार। अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो एक्स बराबर हमारा यहाँ पे आएगा, एक्स बराबर हमारा यहाँ पे आएगा चार पांच और प्लस में वन, यहाँ पे एक्स बराबर एलसीएम लेंगे तो चार माइनस में सॉरी प्लस में रहेगा पांच और माइनस में वन, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर क्या आएगा पांच और एक छह बट्टा चार कॉमा, यहाँ पे घटेगा तो चार बट्टा चार, यहाँ पे इसको काट भी सकते हैं वन आएगा, और ये तीन दूनी छः और दो दूनी चार, यानी कि एक्स का वैल्यू हमारा आ गया। अगर जो काट के आंसर दे रहा होगा तो काट देंगे, नहीं दे रहा होगा काट के तो नहीं देंगे। यहाँ पे हो गया आंसर, यानी कि एक आया तीन बटा दो, एक आया वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए सोलह का तीन में बोल रहा है नौ एक्स स्क्वायर माइनस पंद्रह एक्स प्लस सिक्स, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना, तो भाग दे देंगे तो यहाँ पे देखिए नौ एक्स स्क्वायर बट्टा नौ माइनस में हम अलग अलग आपकी तोड़ दे रहे हैं डायरेक्ट बट्टा नौ प्लस में सिक्स और बट्टा नौ, इतना से भाग दे दिए, इस साइड भी दे देंगे जीरो बट्टा नौ। अब देखिए ये हो गया नौ से नौ कट गया, यहाँ पे बच गया है एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बचा है। अब यहाँ पे क्या है माइनस पंद्रह बट्टा में नौ, और इसको उस साइड भेजेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, ये तो पहले जीरो हो जाएगा तो जीरो, जीरो का तो कोई महत्व नहीं, इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस सिक्स बट्टा नौ हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा काम क्या होता है, तो दूसरा काम है दोनों पक्षों में, चलिए इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज करके यहाँ पे नहीं तो देख लीजिए दोनों पक्षों में क्या करना है वन बटा टू इंटू एक्स का गुणांक के स्क्वायर करके जोड़ने पर, तो यहाँ पे जोड़ ले, सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में पंद्रह बट्टा नौ, यहाँ एक्स भी है ना एक्स, और क्या करना है इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है एक बटा दो इंटू एक्स का गुणा कितना है माइनस पंद्रह बटन नौ, माइनस पंद्रह बटन नौ, और इसका क्या करना है स्क्वायर, इधर में उसी तरह से करना है माइनस छः बटन नौ हो जाएगा, प्लस में इस साइड क्या रह जाएगा वन बट्टा दो इंटू माइनस पंद्रह बट्टा नौ, और इसका स्क्वायर कर देना, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में पंद्रह बट्टा में नौ इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस, ये देखिए पंद्रह बट्टा नौ दुनिया अट्ठारह, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये माइनस में रहेगा इक्वल टू माइनस सिक्स बट्टा नौ, प्लस में यहाँ देखिए माइनस पंद्रह का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो पंद्रह का होगा दो सौ पच्चीस, नौ दुनिया अठारह, अठारह का स्क्वायर कीजिए तो अठारह गुनिया अठारह कितना हो जाएगा, तो अठारह गुनिया अठारह करेंगे तो आपका आएगा दो सौ सोलह, कितना आएगा दो सौ सोलह, ठीक है ना, दो सौ सोलह। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कहाँ पे थे यहाँ सॉरी, अठारह का जब स्क्वायर करेंगे, अठारह का स्क्वायर करेंगे तो आएगा तीन सौ चौबीस, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इसको जब तोड़ेंगे तो एक सौ स्क्वायर माइनस में पंद्रह बट्टा अठारह इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम यहाँ पे तीन सौ चौबीस, अब भागा देखे इसको गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पे दो सौ सोलह माइनस में और प्लस में यहाँ पे भाग देंगे वन यानी दो सौ पच्चीस, ठीक है ना। आप यहाँ पे डायरेक्ट हम कर चुके हैं और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे एक्स माइनस पंद्रह बटा अठारह हो गया, क्या हो गया एक्स माइनस पंद्रह बट्टा में अठारह, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर,
और बराबर में इस साइड अब घटा लेंगे तो कितना आएगा, 8, 9 आएगा। इधर में घटा लेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि 225 में से -216 घटा लेंगे तो 9 आएगा, ये 324। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर को उस साइड भेजना, तो एक्स माइनस 15 बट्टा में 18 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 9 बट्टा 324, यहाँ पे हो गया एक्स बराबर, इसको उस साइड भेजेंगे तो 15 और बट्टा में 18, और इसको निकाल लेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में निकलेगा, तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं 3 और बट्टा में 18। एक बार और क्या आएगा, तो एक बार आएगा 15 बट्टा 18 माइनस में 3 बट्टा 18, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो एक्स बराबर आएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 18 15 और प्लस में 3, और एक बार यहाँ करेंगे तो 18 15 माइनस में 3, यहाँ पे एक्स बराबर आ जाएगा कितना, 18 बट्टा 18, और यहाँ पे आएगा घटा देंगे तो 12 बट्टा 18, 6 दूनी 12 36 18, 6 दूनी 12 36 18, और ये हो गया एक मतलब, यानी कि एक्स बराबर एक आ गया 1 और एक आ गया 2/3, यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी उसी तरह से, अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना, तो यहाँ पे तो एक्स का स्क्वायर है ही नहीं, तो यानी 1 से भाग देना, तो 1 से क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, एक से भाग देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सोल्यूशन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 9x, और इसको उस साइड भेज देते हैं, क्या आ जाएगा, -18। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों पक्षों में 1/2 इंटू एक्स के गुणांक से के स्क्वायर करके जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 9x, और इसमें जोड़ना है कितना, 1/2 इंटू एक्स का गुणांक है 9 माइनस में 9, और इसका स्क्वायर कर देना है माइनस में, ये 18 हो जाएगा। इस साइड भी क्या जोड़ना है, प्लस 1/2 माइनस सॉरी इंटू है यहाँ पे इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर कर देना, अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 9x, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 9/2 इसका स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -18, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये इसको एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इस तरह से रखना है, इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे तो आएगा 4 18 74 माइनस 72 और प्लस में 81, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये रहेगा एक्स माइनस में 9/2 इसका होल स्क्वायर रहेगा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 9/2 में आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, एक्स माइनस में 9/2 इक्वल टू रूट अंडर इस साइड क्या हो जाएगा, 9/4, इसको बाहर निकाल लेंगे तो एक्स माइनस 9/2 इक्वल टू प्लस माइनस क्या निकलेगा, 3/4, यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा, x बराबर ये उधर चला जाएगा प्लस में 9/2, और एक बार लिखेंगे प्लस में 3/4, और एक बार हो जाएगा 9/2 माइनस 3/4, यहाँ से सोल्यूशन कर लेंगे तो आएगा एलसीएम 4, भाग देंगे 9 दुनिया 18, और यहाँ प्लस में 3, यहाँ भाग देंगे तो क्या आएगा 4 9 दुनिया 18, और माइनस में 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा 18 3 21/4, और यहाँ घटा लेंगे तो आएगा 15/4, यही हो गया हमारा आंसर। इसको काट भी सकते, नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये भी बहुत इजी है बिल्कुल। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना, तब 2x² / 2 प्लस में 1x/2 और प्लस में 4/2 इक्वल टू 0, यहाँ से 2 दूना 4 कट गया, ये 2 दूना 4 कट गया, दो मतलब कट गया, ठीक है ना। अब क्या करना है दूसरा, सबसे पहले तो इसको सजा लेना है, तो सजा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सजा लेंगे तो एक्स का स्क्वायर रह जाएगा और प्लस में 1/2 रह जाएगा, ये देखिए ये कटा है 2 मतलब इधर प्लस में उस साइड भेजेंगे माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम है, दोनों पक्षों में 1/2 इंटू एक्स के गुणांक के स्क्वायर करके जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/2, और इसमें जोड़ना है कितना, 1/2 इंटू एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक हो गया 1/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू -2, और इसमें जोड़ना है कितना, 1/2, और यहाँ एक्स का गुणांक भी है 1/2 इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस हाँ प्लस में 1/2 प्लस में यहाँ 1/2 2 दूनी 4 इसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू -2 रह जाएगा, प्लस में 1 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 1/4 आ गया। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर,
और यहाँ पे दो ही ना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो हम तोड़े नहीं, तो यहाँ पे दो ही होगा, तो यहाँ पे भी दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी दो इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा चार माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, और प्लस में यहाँ हो जाएगा कितना, वन, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया कितना, वन। अब आगे में सोल्यूशन कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स और प्लस में वन बट्टा दो का होल स्क्वायर, और इक्वल टू इधर में हो जाएगा थ्री, और बट्टा में इधर हो जाएगा क्या, फोर, और ये माइनस में आएगा, ठीक है ना, माइनस में। अब यहाँ पे ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो एक्स प्लस में वन बट्टा दो इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री बट्टा फोर। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर माइनस में आ गया, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या बोला था, यदि संभव हो तो ज्ञात करना है, तो रूट के अंदर माइनस आ गया तो यह संभव नहीं होगा, तो लिख देंगे चूंकि यहाँ यहाँ दोनों पक्ष क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस वन आ गया, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, मतलब ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसका हल संभव नहीं है। लिख लेंगे इसका हल संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है ना। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है, पूर्ण वर्गीकर द्विघाती समीकरण हल करने पर आधारित प्रश्न है, जो कि 17 में पूर्ण वर्ग विधि से बोल रहा है हल करने के लिए, यदि ये संभव हो तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना था, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे, दो एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, जो कि बोल रहा है इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि ये है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना रहता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आप पहचानिए, पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से पहचाना जाता है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, दो है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक दो है, तो दो से क्या करना होगा, दोनों पक्षों में भाग देना होगा। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था, अगर जो उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में, नहीं तो आपको यहाँ इसी वीडियो के नीचे डिस्कशन उसमें मिल जाएगा। देखिए हम लोग भाग देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दो एक्स का स्क्वायर माइनस में पांच एक्स। चलिए यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और हमको लिखना है, इसलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे में हम एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, भाग देना है ना हमको, तो दो एक्स स्क्वायर और माइनस में फाइव एक्स और प्लस में यहाँ पे थ्री हो जाएगा और इक्वल टू जीरो। अब दोनों पक्षों में भाग देना है कितना से, एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ पे कितना है, दो, तो दो से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, ठीक है। और इसको आगे में सोल्यूशन कर लेंगे, तो इसको अगर जो हम लोग तोड़ते हैं, तो दो एक्स का स्क्वायर बट्टा दो माइनस में पांच एक्स बट्टा दो और प्लस में थ्री बट्टा दो यहाँ भाग देंगे तो जीरो। अब देखिए इस तरह से हम क्यों लिखें, क्योंकि इसको अब नीचे वाला को एलसीएम लीजिएगा तो आएगा आपका एलसीएम दो, भाग देंगे वन, और फिर दो एक्स स्क्वायर में से वन से गुना कीजिएगा तो दो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, यहाँ भागा देंगे तो वन, और फिर पांच एक्स में वन से गुना कीजिएगा तो पांच एक्स होगा, उसी प्रकार से यहाँ थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए दो से दो कट रहा है तो काट दिए, यहाँ पे बच गया हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या बच गया, पांच एक्स और बट्टा में दो। अब देखिए ये दूसरा जाति का है, तो इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो माइनस थ्री बट्टा दो हो जाएगा। इतना हो गया, इतना करने के बाद एक और स्टेप होता है हमारा, सेकेंड स्टेप, वो है ये कि दोनों पक्षों में वन बट्टा दो इंटू एक्स का गुणांक या स्क्वायर करके जोड़ने पर। आप यहाँ पे लिखिएगा, ये नहीं कि यहाँ पे हम लिखें, लिखना है आपको यहाँ पे, और क्या लिखना है कि दोनों पक्षों में वन बट्टा दो इंटू, यहाँ पे वन बट्टा दो है, क्या है, वन बट्टा दो इंटू एक्स का गुणांक, और इसका स्क्वायर करके जोड़ना है दोनों पक्षों में। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको माइनस लिख लेते हैं, चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या है पांच एक्स और बट्टा में दो, ठीक है। अब हमको जोड़ना है कितना, तो जोड़ पहले जोड़ का निशान देंगे, जोड़ना है हमको वन बट्टा दो और इंटू एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है माइनस पांच बट्टा दो, तो माइनस पांच बट्टा दो इसको क्या करना है, गुणा करना है, और इसका क्या करना है स्क्वायर, जोड़ दिए हैं। अब इस साइड भी उसी तरह से करना है, तो तीन बट्टा दो जोड़ना है इसमें वन बट्टा दो इंटू एक्स का गुणांक कितना है, तो गुणांक है माइनस पांच बट्टा दो और इसका स्क्वायर कर देना है, हो गया ना। अब यहाँ पे करिए तो इसका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में
बटा दो एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस में क्या हो जाएगा, पांच एकम पांच, पांच में एक से गुना होगा पांच, और दो में दो से गुना होगा दो, दूना चार, अब इसका स्क्वायर रह जाएगा ना। अब यहाँ पे सोल्यूशन कर लीजिए, माइनस तीन बट्टा दो, और प्लस में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पांच एकम पांच, और पांच का स्क्वायर है तो पांच पच्चीस क्या हो जाएगा, पच्चीस, दो दूनी चार गुना होगा नीचे वाला नीचे से, तो दो दूनी चार का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे समझिए इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो भी लंबा होगा, तो आपको देखना होगा बारीकी से। यहाँ पे हमारा है एक्स का स्क्वायर और माइनस में है पांच बट्टा दो, एक्स भी है और फिर क्या प्लस में पांच बट्टा फोर, और इसका होल स्क्वायर है और इक्वल टू इस साइड है। देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा एलसीएम 16, भागा देंगे 16 में 2 से तो आएगा 8, 8 में माइनस 3 से गुना होगा 24, माइनस 24 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए 16 में 1 से भागा देंगे तो 1, और 25 में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस में पांच बट्टा दो एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा पांच बट्टा चार, इसको इसी तरह से लिखते चले जाना, इक्वल टू ये यहाँ घटाएंगे तो 1 बट्टा आएगा 16। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए ये एक्स का स्क्वायर है, अब इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 1 है, और बी के जगह पे क्या हो जाएगा, मतलब इसको तोड़ना होगा, तो ए की जगह पे क्या है एक्स का स्क्वायर है, बी की जगह पे हम लोग रखेंगे पांच बट्टा चार, तो आप इसको एक्स माइनस पांच बट्टा चार के होल स्क्वायर पर जब तोड़ दीजिएगा तो आपका इस तरह से आएगा, इस फॉर्मूला पर आपको तोड़ना है, तो ए स्क्वायर होता है ना माइनस टू ए बी, और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, तो इसको आप तोड़िएगा एक्स माइनस पांच पांच बट्टा चार के होल स्क्वायर, तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर माइनस पांच बट्टा दो एक्स प्लस में पांच बट्टा चार का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 बट्टा हो गया है यहाँ पे 16। अब देखिए ये स्क्वायर को, ये स्क्वायर को रूट उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट में, तो एक्स माइनस पांच बट्टा चार इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा 1 बट्टा 16। अब इसको निकालेंगे रूट से बाहर तो एक्स माइनस पांच बट्टा चार हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस के साथ निकलेगा, और 1 तो बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा, 16 को बाहर निकालेंगे तो 4, ठीक है। अब ये प्लस माइनस हो गया, अब इसको माइनस पांच बटा चार को भी उस साइड भेज देना, तो ये देखिए एक बार यहाँ प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर माइनस पांच बटा चार को इस साइड भेजते हैं तो प्लस में पांच बटा चार हो जाता है, और एक बार लेते हैं प्लस में 1 बटा 4, ठीक है, और दूसरे बार हो जाएगा एक्स बराबर पांच बटा चार, और एक बार लेते हैं माइनस वाला 1 बटा 4, यहाँ पे दो दो है ना प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लिए। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, यहाँ पे आएगा एलसीएम 4, यहाँ पे भागा देंगे तो 1, और गुना होगा तो 5 हो जाएगा, मतलब इस तरह से आपका होगा, और यहाँ पे कॉमा एक्स इक्वल टू यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 4, 5 माइनस हो जाएगा 1, यहाँ पे आप ये जुड़ जाएगा तो आएगा 6 बटा कितना आएगा 4, आप इसको काट देते हैं 2 बटा 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, यहाँ पे आपको घट जाएगा तो आएगा 4 बटा 4, यानी कि कट जाएगा 1, तो हमारा यहाँ पे एक्स का दो वैल्यू आया, एक्स का कौन कौन वैल्यू, एक आया है 3 बटा 2, 3 बटा 2, और एक्स बराबर एक आया है 1, ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर, आप लिख सकते हैं आता है एक्स बराबर 3 बटा 2 और एक्स बराबर 1, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह से, इसको भी उसी तरह से काम करना है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है कुछ नहीं तो 1 है, और 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या एक्स माइनस में 6x, और देखिए ये क्या है प्लस 4 है, तो इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 से भागा देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इधर में 0 मतलब 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और इसको उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है दोनों पक्षों में 1 बट्टा 2 इंटू यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है ना, हाँ दोनों पक्षों में 1 बट्टा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर करके एक्स के स्क्वायर के करके जोड़ने पर, तो जोड़ देना हम लोग को, ये वाला स्टेप आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, हमारा जगह कम होने के कारण मैं एक जगह पे ही लिख दिया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और इसके बाद काम कीजिए, तो हमको जोड़ना है तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x, और जोड़ना कितना है तो 1 बट्टा 2, और इंटू एक्स का गुणांक यहाँ पे है माइनस 6, और इसका क्या करना है स्क्वायर इक्वल टू, इसी प्रकार से इधर में जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस में 4 माइनस में 4 हो गया, और प्लस में जोड़ना है 1 बट्टा 2 और इंटू माइनस 6 और इसका स्क्वायर, यहाँ पे काम कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 6x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस 6 में 1 से गुना होगा तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 और बट्टा में 2 और इसका स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ माइनस 4 हो जाएगा
अब यहां पे कर लेते हैं प्लस में, क्या हो जाएगा -6 गुना होगा तो क्या होगा, ऊपर में ऊपर से नीचे में नीचे से, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 6 में 1 से होगा 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और बट्टा में 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 6 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा तो आपको इसी तरह से आएगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बारीकी से बताया था कि किस तरह से होगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 भागा देंगे 1, यहाँ भागा देंगे 4, 4 चौको 16 हो जाएगा -16 और प्लस में यहाँ हो जाएगा 36। यहाँ पे हो गया एक्स और माइनस में 6/2 और इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू, यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा आपका आएगा 20 और बट्टा में आएगा 4, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको क्या करना है, स्क्वायर को इस साइड भेज देना है, तो स्क्वायर को इस साइड भेज दीजिए। तो भेजने पर आप पाएंगे यहाँ पे हम लोग भेज देते हैं, देखिए एक्स माइनस में 6/2 और इक्वल टू रूट अंडर इसको, मतलब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 20/4। अब इसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकाल दीजिए फट से, ये प्लस माइनस के साथ है ना, तो इसको अब बाहर निकालना, तो इसको आप काट सकते हैं 5 को 20, ठीक है ना। तो x माइनस में 6/2 इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5, ठीक है, यानी कि ये अब बाहर नहीं निकलेगा। अब इसको उस साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा 6/2 प्लस में और एक बार प्लस में रूट 5 हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ ही लिख देते हैं। इसको सोल्यूशन करते हैं, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ भागा देंगे तो 6 और यहाँ प्लस माइनस और ये 2√5 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर यहाँ लिख सकते हैं 6/2 प्लस में 2√5/2 और एक बार लिख सकते हैं 6/2 माइनस में 2√5/2 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 × 6 कट गया और ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 और 3 × 6, यानी कि हमारा x बराबर इसको एक साथ लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस √5, नहीं तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा इसी प्रकार से उसी तरह से आपको काम करना है, सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना है, तो भाग दे देंगे हम लोग, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है √5, तो यहाँ पे भाग दे देंगे कितना से √5 से, तो √5 एक्स का स्क्वायर यहाँ पे हम तोड़ कर डायरेक्ट लिखते हैं √5 और प्लस में 9/√5 और यहाँ पे एक्स। अब यहाँ पे देखिए इस साइड क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0, तो इसको डायरेक्ट हम उस साइड ले चल जाते हैं, तो माइनस में 4√5 और भागा देना है कितना से √5 से, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, ठीक है, ऊपर नीचे सेम है तो कट गया। अब यहाँ पे बच गया एक्स का स्क्वायर और प्लस में क्या बच गया है 9/√5 एक्स और बराबर में इधर क्या बच गया है -4, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, दोनों पक्षों में 1/2 × x का गुणांक के स्क्वायर करके जोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस में 9/√5 × x। अब जोड़ना है हमको कितना, तो 1/2 × x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक कितना है 9/√5, इसका क्या करना है स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -4 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/2 × 9/√5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 9/√5 एक्स और ये प्लस हो जाएगा, अब 9 में 1 से गुणा 9 होगा, बट्टा में 2√5 इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -4 और प्लस में यहाँ भागा देंगे, देखिए 9 में 1 से गुणा 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 बट्टा में यहाँ क्या हो जाएगा 2√5, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 5 ये स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा, यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20। अब इसको आगे करते हैं, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस में 9/2√5 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया इक्वल टू -4 और प्लस 81 और बट्टा में हो जाएगा 20, यहाँ पे x प्लस 9/√5 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम कर लेंगे तो आएगा यहाँ पे 20 एलसीएम, भागा देंगे तो 20 बीचा को कितना हो जाएगा 80 -80 और प्लस में कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको, x प्लस में 9 बट्टा
दो रूट पांच, इसको रहने देते हैं, स्क्वायर को हम लोग इसको इस साइड भेजना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/20। यहाँ पे जब अति ये करेंगे घटाएंगे तो आएगा, और इसको स्क्वायर को इस साइड भेज देना तो रूट में हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालना है तो बाहर निकाल सकते हैं आप, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप बाहर निकालेंगे तो एक्स प्लस 9/2 इक्वल टू, या इसको जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस के साथ 1/2 निकलेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 5 20 होगा, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्यूशन करते हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा एक बार क्या 1/2, और ये हो जाएगा माइनस में 9/2, एक बार होगा, और एक बार क्या हो जाएगा, ये भी तो माइनस में ना उधर में होगा, तो इसीलिए हम लिख लें प्लस वाला आ गया, ये माइनस वाला पीछे, और यहाँ पे हो जाएगा एक बार माइनस में 1/2, और हो जाएगा क्या और हो जाएगा एक बार प्लस में क्या 9/2। अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो एलसीएम आएगा 2/5, यहाँ पे आएगा 1 और माइनस में 9, यहाँ पे हो जाएगा क्या 2/5 एलसीएम, ये सॉरी यहाँ कॉमा रहने देंगे, 2/5 हो जाएगा एलसीएम भाग देंगे 1 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 9, इसको घटा लेंगे तो आएगा क्या -8/2, और एक आएगा क्या ये 8 और बट्टा में 2/5, यानी कि ये दोनों एलसीएम हमारा आ गया। आप इसको काट भी सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये हो गया 4 दूनी 8, यानी कि एक आया है हमारा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक आया है हमारा -4/√5, और एक आया है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का, 17 का 4 कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा है पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए, इसके पहले वाले वीडियो अगर जो देखे हैं तो नहीं देखे तो देख लीजिए जाकर, उसमें हम बारीकी से समझाए हैं, चलिए इसमें भी हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले लिखना है एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना। देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है 2/2, तो इससे क्या करना है दोनों पक्षों में भाग देना, तो यहाँ पे भाग दे लेते हैं हम लोग 2/2 एक्स का स्क्वायर, और भागा देना है कितना से 2/2, ठीक है, क्योंकि एक्स का ये होगा, तो यहाँ पे हम सब में भाग देना, तो हम अलग अलग भाग दे रहे हैं 15/2 एक्स, यहाँ से हम अलग अलग कर दे रहे हैं, और इसको हम इस साइड लेके चला जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -2/√2 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2/2, ठीक है ना, क्योंकि जीरो में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको इधर इस साइड ले ला गए पहले से। इसके पहले वाले वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कट रहा है तो काट देंगे, ये देखिए √2 से √2 कट गया, यहाँ बच गया एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में यहाँ बच गया क्या 15/√2 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2/2 एक्स, और इक्वल टू इधर में हो गया माइनस में 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप का यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखा हूँ दोनों पक्षों में 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ना है। क्या करना है, दोनों पक्षों में 1/2 में एक्स के गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ देना, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में √15/2 में 2/2 एक्स। अब इसमें हमको जोड़ना है कितना 1/2, और एक्स से एक्स के गुणांक से गुना करना है, तो एक्स का गुणांक कितना है 15/√2 और बट्टा में क्या है 2/2, इससे गुना का स्क्वायर कर देना, इस साइड भी उसी तरह से करना है, तो इस साइड है 1/2 और जोड़ना है कितना 1/2, इसमें गुना करना है कितना से 15/√2 और इसका स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि हमारा यही रूल है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 15/√2, अभी ये एक्स हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 15/√15 में, यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 4/√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/√2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहने देंगे इक्वल टू -1/2 प्लस में यहाँ 15 का स्क्वायर कर लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, और 16 में 2 से गुना होगा तो 32, क्या हो जाएगा 32, ठीक है, यहाँ 32 कैसे होगा 2 दूनी कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और √2 से स्क्वायर मतलब कट जाएगा ना, तो बचेगा 2 ही ना, तो हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32। अब आगे हम सोल्यूशन कर लेते हैं, तो इसको आप हमको बताए हम बताए थे पिछले वीडियो में आपको किस तरह से करना है, तो एक्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा √15
और पट्टा में वाह, चार, रूट अंडर दो, और इसका होल स्क्वायर, इसको कर सकते हैं आप, क्योंकि आप ए प्लस बी की इसको होल स्क्वायर पर तोड़िए तो आपको इस फॉर्म में आ जाएगा, और इक्वल टू माइनस वन और बट्टा में दो, प्लस में क्या हो जाएगा 15 और बट्टा में क्या हो जाएगा 32। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको इरेज करके, क्योंकि यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, जगह भी ऐसे भी कम है, तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 32 भागा देंगे तो आएगा यहाँ पे 16, 16 में 1 से गुणा करके आएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 15, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस में रूट 15 पट्टा में चार रूट दो, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ का टाइम तो क्या आ जाएगा माइनस वन और बट्टा में 32। अब ये स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो आएगा एक्स प्लस में रूट अंडर 15 बट्टा में चार रूट दो इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस इस साइड माइनस वन बट्टा में 32। अब देखिए रूट के अंदर माइनस आ गया, तो यहाँ से ही हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बोल रहा था क्या यदि संभव होगा तो सोल्यूशन करना, तो हमारा यहाँ पे संभव नहीं होगा। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह रूट के अंदर माइनस में आ गया जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन नहीं होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह संभव नहीं है, क्या लिखेंगे, यह संभव संभव नहीं है। क्यों नहीं है तो उतना डिटेल देने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे दिखा दिए ना कि रूट के अंदर माइनस वन आ गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट उसी प्रकार से है, इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे वन है, तो भागा देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं एक्स का स्क्वायर और प्लस में एक्स, और इसको उस साइड भेज देंगे माइनस में थ्री, भाग देंगे वन से तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, दोनों पक्षों में वन बटा दो इंटू एक्स के स्क्वायर के गुना करना, चलिए इसको कर लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स, इसमें जोड़ना है कितना वन बटा दो इंटू एक्स का गुना कितना वन, तो भाग इसको कोई परवाह नहीं पड़ेगा इक्वल टू माइनस थ्री, और यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस में वन बटा दो इसका स्क्वायर, क्योंकि वन से गुना करना है तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन बटा दो और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे माइनस थ्री और प्लस में हो जाएगा क्या वन और बट्टा में चार। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बट्टा दो का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको तोड़िएगा तो आपको आएगा उसी तरह से। अब यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, चार यहाँ पे आएगा माइनस चार तीन 12 और प्लस में हो जाएगा वन, इसको आगे करते हैं तो एक्स माइनस में वन बट्टा दो का होल स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 11 और बट्टा में चार, इसको उस साइड भेजेंगे तो एक्स प्लस में वन बट्टा दो और इधर आ जाएगा प्लस माइनस के 60 रूट अंडर माइनस 11 बटा 4। देखिए ये भी रूट के अंदर क्या आ गया है माइनस आ गया, तो ये भी क्या होगा हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में वन माइनस आ गया और यह अपरिमेय है, इसलिए यह इसका भी हल संभव नहीं, लिख सकते हैं आप इसका हल संभव नहीं है। ठीक, देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पे है, सबसे पहले तो टाइप थ्री ही चल रहा था जो कि पूर्ण वर्ग विधि से द्विघाती समीकरण को हल करना था, तो प्रश्न हमारा 18 भी वही बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघाती समीकरण को हल करना है, तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन करने का हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना रहता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पहचानने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सरल रैखिक समीकरण के युग्म सॉरी उसमें होगा द्विघाती समीकरण से, देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, यहाँ पे तो 5 है, एक्स में एक्स स्क्वायर के में जितना से गुना रहेगा वही उसका गुणांक होगा, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 से क्या करना है दोनों पक्षों में भाग देना है, तो यहाँ पे हम लोग भाग दे लेते हैं दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा 5 एक्स का स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा 5, यहाँ माइनस है और यहाँ पे हो जाएगा 24 एक्स और बट्टा में कितना हो जाएगा 5, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 5 और बट्टा में 5 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/5। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि 5x² - 24x - 5 और बट्टा में सिर्फ कर सकते थे 5, क्योंकि मैं इसको तोड़ कर लिख दिया, अगर जो इसका एलसीएम लेंगे ना तो उसी तरह से आएगा, मैं यहाँ पे तोड़ा हूँ इसलिए क्योंकि ये कट रहा है, तो काट देंगे यहाँ पे एक मरतबे कट गया, ये एक मरतबे कट गया, तो यहाँ पे बच गया 1x² यानी कि एक्स का स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे बच गया है माइनस 24 और बट्टा में 5 और यहाँ पे एक्स गुना है। अब देखिए यहाँ माइनस 1 बच गया तो इसको उस साइड भेज देंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, और इस साइड 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अब इतना हो गया। अब हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि दोनों पक्षों में 1/2 में एक्स के गुणांक जितना भी होगा उससे गुना करके और स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, -24/25, और गुना करना है कि इसमें 1/2 के स्क्वायर करके और जोड़ देना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 24/5 में क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा एक्स। अब इसमें हमको जोड़ना है कितना, तो जोड़ का निशान देंगे, जोड़ना है हमको 1/2 और इसमें गुना करना है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है, -24/5, -24/5, और इसका क्या करना है स्क्वायर। और इस साइड भी यही करना है जो इस साइड की है, प्लस कर देंगे क्या 1/2 और प्लस सॉरी गुना यहाँ पे 24/25, और माइनस में है तो माइनस जरूर रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ माइनस जरूर रखेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 24 और बट्टा में हो जाएगा 5, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। देखिए -24 में 1 से गुना हो तो क्या होगा 24 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 24/ यहाँ पे देखिए 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, और इसका स्क्वायर ही रहने देंगे इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस में यहाँ देखिए 24 में 1 से गुना करते 24 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 576 हो जाएगा और बट्टा। अब यहाँ पे देखिए क्या 25 × 2 कितना हो जाएगा 50, और 50 का क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 5 ही है ना, 25 कहाँ से आएगा 5 है, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, 10 देखिए क्या हो जाएगा 100। इसको आप देखिए, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x+24/10 का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24/5 एक्स प्लस में 24/10 के होल स्क्वायर आएगा, इतना आएगा। आप इसको तोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता दिया हूँ डिटेल से, इसलिए यहाँ पे डिटेल से बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा एलसीएम 100, भागा देंगे तो 1 में से 100 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 576, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा 24 और बट्टा में 10, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है ना इक्वल टू, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो 2600 कितना हो जाएगा 76, 2676 और बट्टा में 100। अब ये स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो एक्स प्लस में क्या हो जाएगा 24 और बट्टा में 10 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 2676 बट्टा में 100। अब इसको बाहर निकालेंगे तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 24 बट्टा में 10 और बराबर यहाँ निकलेगा प्लस माइनस के साथ। अब इसको जब निकालेंगे तो कितना मतलब है, इसको इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 26 और इसका आएगा 10। अब देखिए इसको क्या करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा देखिए एक बार प्लस में लेते हैं 26/10 और ये इधर प्लस में, तो इस साइड आएगा माइनस में 24/10 हो जाएगा। अब दूसरा बार लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एक बार लेते हैं माइनस में 26/10 और इधर प्लस में है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो -24/10 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा आप तो आएगा एलसीएम 10, यहाँ पे भाग देंगे 1 26 में गुना होगा यानी 26 और 24 कॉमा। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या, भागा देंगे 10, यहाँ -26 और माइनस हो जाएगा 24। अब ये देखिए घटेगा ना, ये x बराबर ना है, अब ये घटेगा तो घट कर कितना आएगा 2/10, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर क्या आएगा 2/10 और यहाँ पे रेखा आएगा x बराबर, देखिए ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 4 6 10 के 0 हाथ में चाहिए 1 और 2 2 4 1 50, यानी -50/10। अभी 10 5 50 कट गया और 2 5 10 कट गया, एक्स का वैल्यू एक आया है हमारा 1/5 और एक आ गया है सिर्फ -5, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर जो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो वीडियो को रोक कर आप इसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का 2। देखिए 18 का 2 में भी बिल्कुल उसी तरह से, इसको भी हम लोग को उसी तरह से काम करना है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग को एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना है, तो यहाँ पे भाग दे लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 7x² / 7 − 13x और बट्टा में हो जाएगा 7 − 2 और बट्टा में हो जाएगा 7 = 0। ये से ये कट गया, यहाँ पे बच गया x² और -13/7x हो जाएगा और इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 2/7 हो जाएगा। इधर में भी 7 से भाग दे देंगे क्योंकि तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पे है, दोनों पक्षों में क्या करना है, 1/2 में एक्स का गुणांक स्क्वायर करके जोड़ देना है, गुना करके जोड़ देना है। तो इसको ये स्टेप को आपको यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ क्योंकि जगह कम होने के कारण मैं एक जगह पे ही लिख लिया हूँ। तो यहाँ पे आप कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और माइनस में 13/7x। अब इसमें क्या करना है, जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 1/2 और एक्स से गुना करना है, एक्स स्क्वायर के गुना, सॉरी एक्स के गुणांक से गुना करना है। तो -13/7 है यहाँ पे, और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2/7, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे क्या, 1/2, और गुना करना है -13/7 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे काम कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस में 13/7x, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा -13 का, यानी कि माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ 13/7, दूनी कितना हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कर लेंगे 2/7, और प्लस में यहाँ देखिए 13 में एक से गुना होगा तो -13, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169/7 में यहाँ क्या हो जाएगा, 7 × 2 = 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 196, 196, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस में 13/14, और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं आप इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 196, यहाँ पे भागा देंगे तो कितना मतलब कटेगा, 28 मतलब, 28 × 2 कितना हो जाएगा 56, और प्लस में यहाँ एक मतलब कटेगा तो एक से गुना होगा 169 में। अब यहाँ पे कर लीजिए फटाफट, क्या होगा, x और प्लस में हो गया 13 और बट्टम हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, 9 × 6 = 15 के 5 हाथ में बचा 1, और 6 × 5 = 11 = 12 हाथ में बची गया 1 × 1 = 225 और बट्टम में हो जाएगा 196। अब ये स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा क्या, x प्लस 13/14 और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 225 और बट्टा में 196 प्लस माइनस के साथ। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 13/14 इक्वल टू यहाँ निकाल लेते हैं तो 25 मतलब निकलेगा, और ये हो जाएगा कितना मतलब 196 कितना मतलब निकलेगा, वो 196 निकलेगा हमारा 13 मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे आगे करते हैं, 15 का नहीं स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर 225 ना होगा, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस के साथ निकला, एक बार प्लस में एक और माइनस में लेंगे, यानी x बराबर एक बार लेंगे +15/13 और इसको माइनस में उधर हो जाएगा 13/14, सॉरी 96 = 14 ना होगा, यहाँ भी हो जाएगा क्या 14 और यहाँ भी 14, एक बार हो जाएगा x बराबर क्या -15 और बट्टा में 14 और यहाँ हो जाएगा -13/14, इसको यहाँ एलसीएम कर लेंगे तो आएगा 14, यानी कि 15 और माइनस में 13, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 14, 1 − 15 और माइनस में 13, यहाँ पे हो जाएगा 2 / 14, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जुड़ जाएगा 28 / 14, 14 × 2 = 28 और ये 7 × 2 = 14, यानी कि एक एक्स बराबर आया 1/7 और कॉमा एक बार आया -2 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह भी उसी तरह से, ये भी बिल्कुल आसान ही है, तो इसको भी उसी तरह से सॉल्यूशन कर लेना है जिस तरह से मैं पिछले वीडियो में बताया था, तो इसको भी आपको उसी तरह से कर लेना है बिल्कुल। सबसे पहले क्या करना है, एक स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना है, तो भाग दे लेंगे आप कितना है, एक स्क्वायर का गुणांक 15, तो 15 से भाग देंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से काम करना है, काट छाट के और इसको उस साइड भेज देंगे। फिर आपको करना है दोनों पक्षों में 1/2 में एक्स का गुणांक जितना होगा उतना से गुना करके और उसका स्क्वायर कर देना और जोड़ देना है, दोनों साइड करना है ये काम, ठीक है। उसके बाद कर उर के मतलब सोल्यूशन करना है, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और है उसी तरह से है, चलिए इसको हम करके बता देते हैं, वो भी बहुत ही आसान था और बहुत ही इजी है, इसको भी आप कर सकते हैं, इसको भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए मैं इसको भी करके बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, एक स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना है, तो यहाँ पे भाग देंगे 7x² / 7 और प्लस में 2x / 7 क्या हो जाएगा 7 और माइनस में 5/7 = 0, यहाँ से ये कट गया, बच गया एक स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 2/7x और माइनस में हो जाएगा 5/7 = 0। अब यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड स्टेप देखिए, इसको तो उस साइड भेज देते हैं अभी भी, तो यहाँ पे भेज दीजिए एक स्क्वायर और प्लस में 2/7
और x इक्वल टू ये हो जाएगा 5/7। अब क्या करना है, x दोनों पक्षों में 1/2 इंटू एक्स का गुणांक के स्क्वायर करके जोड़ देना। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2/7। तो इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स हो जाएगा, और प्लस में इसको जोड़ना है 1/2 इंटू 2/7 इसका स्क्वायर कर देना, जोड़ दिए। इस साइड भी करना है 5/7 और प्लस में हो जाएगा 1/2 गुना हो जाएगा 2/7 और इसका स्क्वायर कर देना। यहाँ पे आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस में 2/14 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5/7 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 2/14। 14 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 196। अब इसको आप एलसीएम उलसीएम कर सकते हैं और इसको रूट के अंदर इस साइड भेज दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, दो आंसर आएगा। तो ठीक है, टाइप फोर में हमारा बोल रहा है द्विघाती सूत्र से द्विघाती समीकरण का हल पर आधारित प्रश्न है, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 19 में बोला है। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित द्विघाती समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 4x² प्लस में 3x प्लस में 5 = 0। इसे हम लोग को द्विघाती सूत्र से हल करना था। द्विघाती सूत्र का हमारा फॉर्मूला होता है, द्विघाती सूत्र बराबर -b + √_b² - 4ac/2a। अब देखिए यहाँ से हम लोग को मान निकालना होगा कि बी क्या होता है, ए क्या होता है। इसमें देखिए ए और सी दोनों है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसमें हमको निकालना है देखिए कौन कौन है, बी है, ए है, सी है। तो ये तीनों होता क्या है, इसको हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं। तो ए हमारा जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है, 4 है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। अब बी निकालते हैं, तो बी हमारा होता है एक्स का गुणांक। देखिए एक्स का गुणांक कौन है, +3, तो +3 हो जाएगा, तो 3। अब यहाँ से C निकालते हैं, तो C हमारा होता है अचर, जो ना तो x वाला होता है नहीं तो एक्स स्क्वायर वाला होता है। तो है कौन यहाँ पे, बिना x और बिना एक्स स्क्वायर वाला होता है यहाँ 5, तो यह ए हो जाएगा C बराबर 5। ठीक है, ये हमारा ए बी सी का मान निकल गया। अब हम लोग को इस फॉर्मूला पे हम लोग को हल करना है। तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला निकला हुआ है, एक्स बराबर क्या निकला हुआ है, -b + √_ और क्या है, बी स्क्वायर और माइनस में 4ac और बट्टा में क्या है, 2a है। अब इसी फॉर्मूला पर ये सारा का मान को रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -b है, तो b के जगह पे हमारा b का वैल्यू 3 है, तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस दे देंगे, रूट है तो रूट लगा देंगे, b का स्क्वायर यानी b का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया, -4 है, तो 4 तो फॉर्मूला से ही a। अब a का वैल्यू रखेंगे, तो a जो है यहाँ पे गुना में है, तो 4 हो जाएगा a का वैल्यू 4, और c का वैल्यू फिर ये भी गुना में है, c का वैल्यू हमारा है 5, तो ये भी गुना में ही रह जाएगा, और बट्टा में हमारा क्या है, 2a है, तो 2a लिख लेंगे। अब आगे में सोल्यूशन करते हैं, x बराबर हो जाएगा क्या है, -3, प्लस माइनस तो रहेगा ही, रूट अंडर तो रहेगा ही। अब 3 का देखिए, 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए ये 4 × 4 × 5 यानी कि ये तीनों आपस में गुना में है, तो सबको गुना कर देंगे, तो 4 × 16 और 16 × 5 कितना होता है, 80, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये बट्टा में है नीचे में 2, तो 2 हो जाएगा, सॉरी a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 × 4। ठीक है, अब आगे में सॉल्यूशन कीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 + √_। अब देखिए यहाँ घटाना है, तो माइनस आएगा क्या, 71, -71 बट्टा कितना आएगा यहाँ पे। अब देखिए 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको हम लोग को सोल्यूशन करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए ये प्लस माइनस है ना बीच में, तो इसको अलग अलग रखेंगे, तो x बराबर 1 लेंगे हम लोग -3 और प्लस में √_ -71 और बट्टा में 8 हो जाएगा, और 1 लेंगे हम लोग -3 और माइनस में √_ -71 और बट्टा में हो जाएगा 8। यही जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे देखिए रूट के अंदर क्या है, -71 है, रूट के अंदर क्या है, -71, जो कि यह अपरिमेय है। तो यहाँ पे आप एक बात और लिख सकते हैं, लिखेगा अतः इसका हल संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर क्या आया है, माइनस में आ गया है, तो इसका हल होगा नहीं, हो पाएगा, तो लिख लेंगे इसका हल संभव नहीं है।
संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है, यहाँ पे रूट के अंदर माइनस में आ गया है, तो रूट के अंदर माइनस में आ जाते तो इसका हल नहीं हो पाता, यह प्रमेय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट को हल करके देखते हैं। देखिए इसको भी हम लोग को ए बी, सबसे पहले इसको हमको लिख लेते हैं द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए। यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे, तो यहाँ से ए का जब मान निकालेंगे तो ए होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे थ्री है, तो ए बराबर थ्री। अब बी होता है एक्स का गुणांक, तो बी बराबर हो जाएगा दो रूट एक फाइव। देखिए एक्स का गुणांक कौन है, दो रूट पांच ना, तो दो रूट पांच हो जाएगा। अब यहाँ से सी का वैल्यू निकालते हैं तो माइनस पांच हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू हमारा यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो एक्स बराबर लिखेंगे। अब माइनस बी है तो माइनस बी ही रहेगा, प्लस माइनस तो है फॉर्मूला से, सॉरी यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करते चलते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं आली आली। चलिए यहाँ पे हमारा माइनस बी का वैल्यू है दो रूट पांच, तो दो रूट पांच हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। अब बी स्क्वायर, बी यहाँ पे कितना है दो रूट पांच, इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेंगे माइनस फोर। ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे थ्री और सी का वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस पांच, माइनस पांच हो गया। और बट्टा में यहाँ पे है टू ए, अब टू ए के वैल्यू हमारा हो गया थ्री, तब टू गुने तीन। अब एक सर और यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस दो रूट पांच और प्लस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, और ये रूट पांच का स्क्वायर करेंगे तो पांच ही होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये दोनों गुना में हो जाएगा। तो दो का स्क्वायर चार और चार पच्चीस कितना हो जाएगा बीस, तो यहाँ पे हो जाएगा बीस, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सब गुना में वापस में, लेकिन यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, चार तीन बारह पच्चीस कितना हो गया साठ, और बट्टा में क्या हो जाएगा तीन दूनी छः। एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस दो रूट पांच प्लस माइनस, यहाँ पे रूट अंडर साठ बीस अस्सी, और बट्टा में क्या हो जाएगा छः। आगे में सॉल्यूशन करते हैं, माइनस दो रूट पांच और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको अगर जो आप बाहर निकालते हैं अस्सी रूट अस्सी को, तो यहाँ पे एलसीएम आपको करना होगा, तो एलसीएम आप करिए। देखिए अस्सी को हमको बाहर निकालना है, तो दो से लगाएंगे चालीस दुना अस्सी, फिर दो से लगाएंगे बीस दुना चालीस, फिर दो से लगाएंगे तो दस दुना बीस, फिर दो से लगाएंगे तो पाई दुना दस। अब देखिए जोड़ा लगाकर उसको बाहर निकालेंगे, तो जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा ही लगेगा, दो के बदले एक, मतलब दो दो के बदले एक लिखेंगे तो ये दोनों बाहर निकलेगा, और ये दोनों को गुना कर लेंगे दो दूनी कितना हो जाएगा चार। तो यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे रूट अस्सी को, तो चार हो जाएगा, और जिस जो जोड़ा नहीं लगा उसको रूट के अंदर ही लिखेंगे, यानी कि चार रूट पांच हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर अस्सी को। अब ये हो जाएगा हमारा सिक्स। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स बराबर हमारा दो वैल्यू निकलेगा, एक आएगा माइनस दो रूट पांच, और यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे और चार रूट पांच हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा छः, और एक होगा हमारा माइनस दो रूट पांच और हो जाएगा माइनस में चार रूट पांच, और बट्टा में हो जाएगा छः। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स बराबर, यहाँ पे देखिए चार रूट पांच है, यहाँ दो रूट पांच है, यानी कि ये घटेगा, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। अब चार रूट पांच में से दो रूट पांच गया तो दो रूट पांच तो बचेगा ना, और बट्टम हो गया छः। यहाँ से निकालते हैं तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यानी जुड़ जाएगा, चार रूट पांच है और दो रूट पांच है, तो चार और दो कितना हो गया छः रूट पांच हो जाएगा, और बट्टा में छः और माइनस तो लगा ही रहेगा। अब ये तीन दुनी छः कट गया और ये छः एकम छः कट गया, यानी कि हमारा वैल्यू आ गया है एक्स बराबर एक आया है रूट अंडर पांच और बट्टा में थ्री, और एक आया माइनस रूट पांच सिर्फ, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, इसी प्रकार का और भी वीडियो मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, उन्नीस का तीन। उन्नीस का तीन भी उसी तरह से हम लोग सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर सी बटा टू ए। अब यहाँ से ए का मान निकालते हैं ए बी सी का, तो ए का मान हो जाएगा हमारा, देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं तो वन है ना, कुछ नहीं तो वन है। बी का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो एक्स का गुणा कितना है माइनस सोलह, तो माइनस सोलह हो जाएगा। सी निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चौसठ, प्लस में तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे हो गया चौसठ। अब यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा, देखिए माइनस बी माइनस है तो माइनस रहेगा, बी का वैल्यू कितना माइनस सोलह, तो माइनस सोलह रहेगा, ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि इसके आगे ही माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर। अब बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर कितना माइनस सोलह का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस फोर ए सी, ए का वैल्यू कितना है तो वन, सी का वैल्यू कितना है तो चौसठ। अब यहाँ पे बट्टा में
टू ए तो टू हो जाएगा और ए का वैल्यू कितना है वन, तो दो में वन से गुना होगा तो दो ही होगा, ठीक है ना। ए का वैल्यू हमारा वन है, वन का वन जब पुट करेंगे तो दो एकम दो ही ना होगा। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यह देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि सोलह हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ पे सोलह का स्क्वायर करेंगे तो सोलह का स्क्वायर हमारा कितना होता है, यहाँ पे सोलह का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, सोलह का स्क्वायर हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा 256। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 256, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब 64 में 4 से गुना करेंगे तो 64 में 4 से भी गुना करेंगे तो आपका आएगा 256, और बट्टा में क्या है 2, ठीक है ना। अब इसको आगे सोल्यूशन करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 16 और प्लस माइनस रूट अंडर। अब देखिए ये घटाएंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर क्या आ गया 0 और बट्टा में आ गया 2, ठीक है। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 16 और प्लस माइनस, देखिए रूट जीरो का मतलब बाहर निकालने तो 0 आ जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर हमारा वैल्यू आ गया है क्या है 16 और बट्टा में 2, और फिर आ जाएगा हमारा 16 बट्टा 2, ये काट देंगे 8 आएगा और ये भी 8 ही आएगा, हमारा x का वैल्यू निकल गया 8.8, यानी कि यही हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का 4। 19 का 4 भी बहुत ही इजी प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र तो वही होगा, यहाँ से a b c का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालेंगे तो आप एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कौन है, 3a² है, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 3a². यहाँ से b का वैल्यू निकालते हैं तो b का वैल्यू देखिए x का गुणांक कौन है, देखिए यहाँ तक है ना 8ab, ये x के साथ गुना में है तो b का वैल्यू हो जाएगा 8ab। अब c का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए c का वैल्यू ये पूरा हो जाएगा 4b², ये क्या हो जाएगा 4b², क्योंकि बिना x वाला है, तो बिना x वाला तो इसमें है 4b². अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते चलेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस, तो b है तो माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पे है 8ab, तो 8ab रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, रूट अंडर रहेगा। अब b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यहाँ पे कितना है 8ab, तो 8ab इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा क्या है माइनस 4 है तो 4 रहेगा। a का वैल्यू हमारा कितना है, a का वैल्यू है 3a², c का वैल्यू हमारा कितना है 4b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बट्टा में 2, और a का वैल्यू है हमारा गुना 3a², ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम लोग मान को निकालते हैं, यानी कि इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 8ab तो रहेगा ही, और ये माइनस में है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये रूट अंडर हो जाएगा। 8 देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64, और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा देखिए माइनस क्या होगा 4 12 12 4 कितना हो जाएगा 60, और ये a का स्क्वायर और ये हो जाएगा b का स्क्वायर, बट्टा में क्या हो जाएगा 3 × 6 a² इतना हो गया। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 8ab और प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा, देखिए 64a² b² है, माइनस 60a² b² तो घट जाएगा, तो 64 में से 60 गया तो 4 बच गया, और a² और b² बच गया, बट्टा में हमारा हो जाएगा 6a². यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं और तो यहाँ पे x हो जाएगा और बराबर में माइनस 8ab और प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब 4 को निकालेंगे रूट से बाहर तो क्या हो जाएगा 2, अब a² को रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी कि a बचेगा और b बचेगा, दोनों को बाहर निकाल दिए, अब बट्टा में क्या है हमारा 6a², ठीक है। अब आगे हल करते हैं हम लोग, यहाँ पे अलग अलग होगा, x का 2 वैल्यू निकलेगा ना, अब माइनस 8ab और एक बार लेंगे प्लस में 2ab और बट्टा में हो जाएगा 6a², यहाँ से और क्या हो जाएगा माइनस 8ab और एक बार लेंगे माइनस 2ab और बट्टा में हो जाएगा 6a². अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर में देखिए घटाइए तो माइनस 6ab हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा a²
कॉमा, यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 और 2 10 AB और वो भी माइनस में और बट्टा में 6A². अब देखिए ये 6 से 6 कटेगा, यहाँ 6 AB ना होगा भाई, तो ये 6 से 6 कट गया और ये 5 × 2 = 10 कट गया और ये 3 × 2 = 6 कट गया। इसमें देखिए ए का स्क्वायर रहता है यानी ए ए बचेगा और इसमें भी ए ए बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा एक्स बराबर माइनस बी सिर्फ इसमें बचेगा और बट्टा में ए बचेगा और इसमें बच गया है माइनस 5 और ये बच गया है इसमें बी और नीचे में भी बच गया है ए, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6 ही कटा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 8 × 2 = 10 ही होगा। चलिए अब ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है लेकिन इसको अगर जो बारीकी से आप देखते हैं तो ये प्रश्न भी बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम लोग ए बी सी का मान निकालते हैं, तो ए का मान ये हमारा हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, ए का वैल्यू देखिए एक्स का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है, तो 9 हो जाएगा, तो 9 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे बी का वैल्यू निकालेंगे, तो बी बराबर क्या होगा, देखिए बी का वैल्यू यानी एक्स में कौन कौन गुना है, तो माइनस 9 × a + b × x, यहाँ पे ये एक्स यहाँ तक होगा हमारा वैल्यू, तो बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 9 × a + b, इतना हो जाएगा हमारा बी का वैल्यू। अब सी का वैल्यू निकालेंगे, तो सी का ये पूरा वैल्यू हो जाएगा, क्या है हमारा सी का वैल्यू, 2a² + 5ab और प्लस में 2b², ये पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से सूत्र लिख लेते हैं, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा क्या माइनस बी, तो माइनस तो यहाँ रहेगा ही। अब b का वैल्यू हमारा है माइनस 9 × a + b, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू में माइनस 9 × a + b, a और प्लस में b, ये a प्लस बी है और ये बड़ी ब्रैकेट में क्योंकि छोटी ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, अब रूट के अंदर काम करना है, रूट अंडर हो गया बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है माइनस 9 × a + b, सॉरी a और प्लस b, अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का वैल्यू हमारा यहाँ पे है 9 है, तो गुना 9 और सी का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना है, तो सी का वैल्यू 2a² + 5ab और प्लस में 2b². ठीक है ना। अब बट्टा यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या हमारा बट्टा, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, a का वैल्यू 9 है तो गुना 9, इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 9 × a + b, ये लगा रहेगा प्लस माइनस यहाँ पे रह जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये तो 9 का 81 ही रहेगा, तो a प्लस बी के होल पर तोड़ देते हैं इसको, a² + 2ab और प्लस में b² और माइनस में हो जाएगा 9 × 4 = 36। अब यहाँ a में गुना होगा तो a², अब यहाँ माइनस 36 में 5 से गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30, यानी कि 36 में 5 से गुना करते हैं तो 6 × 5 = 30 की जरूरत में 180 हो जाता, तो माइनस 180 ab, सॉरी यहाँ पर 180 ab होगा, इसको मिटार के सही से हम लिख लेते हैं क्योंकि आपको दिखाएगा नहीं, लिख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 180 a और b, यहाँ पे हो जाएगा माइनस यहाँ 9 × 36 = कितना हो जाएगा 72 b² और बट्टा में क्या रहेगा हमारा 9 × 2 = 18। यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 a + b और प्लस माइनस यहाँ पे रूट अंडर ही रहेगा और यहाँ पे 81, यहाँ पे क्या हो जाएगा a गुना करेंगे तो 81 a² और प्लस में 81 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ में 81 में 2 से गुना करना
दो एकम दो और आठ दूनी सोलह, 162 ए बी, और प्लस में क्या हो जाएगा 81 बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 36 ए स्क्वायर और माइनस 180 ए बी, ए बी, और यहाँ हो जाएगा माइनस 72 बी स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा 18। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो 9 ए बी रहेगा, ए प्लस बी रहेगा, प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ 81 ए स्क्वायर में से यहाँ पे 36 ए स्क्वायर घटा देंगे, 81 ए स्क्वायर में से 36 ए स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइए फट से इसको, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, 9 चौक 36 दूनी 72 ना हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 72, ये 36 नहीं है, ये हमारा है 72। अब घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 81 में से 72 घटाएगा तो आएगा 9 ए स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ 162 ए बी में से इतना घटाएंगे तो माइनस 18 ए बी आएगा, और यहाँ पे घटाएंगे बी स्क्वायर वाला से यहाँ पे 81 तो आएगा 9 ए बी स्क्वायर, और बट्टा में तो हमारा रहेगा ही 18 रह गया यहाँ पे। अब इसको और थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन करिए आगे में, देखिए हम लोग हमारा सोल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले तो इरेज करते हैं हम लोग, इसको हम लोग जो लिखा हुआ है उसको इरेज करते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू ये सब लिखा हुआ है इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, आप इतना लिखना चाहते हैं तो लिखिए फट से वीडियो को रोक कर, और इसको आगे में हम सोल्यूशन करके बताते हैं। ये हो गया, अब इसको सोल्यूशन करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 9 ए बी, ए प्लस बी प्लस माइनस रूट अंडर। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए, तो देखिए 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 कॉमन कर लेते हैं, 9 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 2 ए बी और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और बट्टा में हमारा हो जाएगा वही 9 दूनी 18 और यह हो जाएगा यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू ए और प्लस में बी इंटू प्लस माइनस यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 9 को हम लोग बाहर निकालना है तो 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 और ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और बी स्क्वायर है, तो इसको आप अगर जो बाहर निकालते हैं तो आपका आएगा क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते थे ना, एक्स माइनस सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है यानी कि बचेगा सिर्फ एक्स माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स और ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी बच गया ना। अब आगे में सॉल्यूशन कीजिए और बट्टा में नीचे 18 ही रहेगा, अब इसको यहाँ पे कर लीजिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, तो 9 में से एक बार ये हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फटाफट गुना कर लेते हैं है ना, तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं इसको 9 इंटू ए प्लस में बी इंटू और प्लस में हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस में बी और बट्टा में हो जाएगा 18, एक बार आप लिखिएगा माइनस में एक बार लिखिएगा प्लस में, इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, देखिए 9 क्या हो जाएगा 9 ए और प्लस में क्या हो जाएगा 9 बी और फिर हो जाएगा प्लस में 3 ए और माइनस में 3 बी। अब देखिए 9 में से 9 और 3 क्या हो जाएगा, बट्टा में तो 18 रहेगा ही, 9 3 कितना हो जाएगा 12 ए और ये क्या हो जाएगा घटेगा तो आएगा यहाँ पे 6 बी और बट्टा में हो जाएगा 18। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से कॉमन लीजिए तो कॉमन लेंगे तो 6 कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस में बी, 2 ए माइनस में क्या हो जाएगा बी और बट्टा में 18, 18 तीन मरतबे कट गया तो यहाँ पे बच गया 2 ए और माइनस में बी और बट्टा में 3। इसी तरह से इसको भी सोल्यूशन करना है, यहाँ पे प्लस लिए था ना, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे एक और माइनस लेंगे तो माइनस वाला करेंगे सोल्यूशन, तो उसके लिए भी हमारा आ जाएगा सोल्यूशन, तो उसको जब आप लोग हल कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, आंसर सिर्फ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं तो आंसर आएगा ए और माइनस में 2 बी और बट्टा में 3। ठीक है, इसी तरह से आपको हल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत ही इजी है, या इसको थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना होगा सबसे पहले, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, इस साइड हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, क्या है
एक्स प्लस में वन बट्टा एक्स है और क्या है बराबर में थ्री है। तो इसको सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं, एलसीएम हो जाएगा एक्स, इसको द्विघाती सूत्र द्विघाती समीकरण बनाना है क्योंकि है नहीं, तो यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ बट्टा में वन है, भागा देंगे एक्स आएगा, एक्स में एक से गुना होगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स भाग देंगे एक और एक में एक से गुना होगा वन इक्वल टू थ्री। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में वन और तीछा तीछे गुना होगा तो प्लस में थ्री एक्स हो जाएगा। अब इसको इस साइड ले जाते हैं तो एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस थ्री एक्स और प्लस में वन इक्वल टू जीरो। अब ये हो गया ना हमारा द्विघाती समीकरण, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर और माइनस में थ्री एक्स और प्लस में वन और इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये हो गया हमारा समीकरण यही वाला। अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगा देंगे, तो द्विघाती सूत्र हमारा होता है सबसे पहले यहाँ पे ए और बी का वैल्यू निकालते हैं, तो ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा, देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो वन है, और बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे एक्स का गुणांक माइनस थ्री तो माइनस थ्री हो जाएगा, और सी का वैल्यू हमारा हो जाएगा प्लस में वन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में वन यानी कि सी बराबर हो जाएगा वन। ठीक है, अब यहाँ से द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो वही होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी के जगह पे क्या है माइनस थ्री, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना है, तो बी का वैल्यू कितना है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री हो जाएगा और इसका स्क्वायर और माइनस फोर, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारा वन है तो गुना वन, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू हमारा कितना है माइनस थ्री तो माइनस थ्री, और बट्टा में हो जाएगा टू ए, टू गुना ए का वैल्यू वन। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, एक्स बराबर थ्री प्लस माइनस रूट अंडर तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये शर्त ये कितना हो जाएगा बारह बट्टा में दो, यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा थ्री प्लस माइनस रूट अंडर बारह नौ कितना हो गया इक्कीस और बट्टा में दो। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो थ्री प्लस में हो जाएगा एक हो जाएगा रूट अंडर इक्कीस और बट्टा में दो और एक हो जाएगा थ्री माइनस में रूट अंडर इक्कीस और बट्टा में दो, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इसको भी आपको सोल्यूशन करना होगा, सबसे पहले इसको सोल्यूशन कीजिए, तो सोल्यूशन करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसको पहले इरेज, चलिए इसको सोल्यूशन कर लीजिए, क्या है एक्स है, एक्स माइनस में पंद्रह और बट्टा में एक्स है और प्लस में क्या है वन इक्वल टू है हमारा जीरो, यहाँ पे हम लोग एलसीएम करते हैं तो एलसीएम आएगा एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं बट्टा में तो वन है, भागा देंगे वन आएगा एक्स आएगा, एक्स में एक से गुना होगा तो एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ भागा देंगे वन में पंद्रह से गुना होगा पंद्रह और यहाँ प्लस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स सिर्फ और इक्वल टू हो जाएगा जीरो, इसको तीछा तीछे गुना करेंगे तो वही हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस में पंद्रह और प्लस में क्या बच जाएगा एक्स बच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है ना, एक बार हम क्वेश्चन को मिला लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट रहता है क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को मिला रहे हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है चार है बट्टा में, तो यहाँ पे चार ना होगा भाई, यहाँ भी चार होगा ना, तो पंद्रह चौको यहाँ पे क्या हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर ना, यहाँ भी चार हो जाएगा, देखिए अभी डॉट पकड़ा गया ना, तो यहाँ पे चार हो जाएगा यहाँ भी चार हो जाएगा, यानी कि हमारा वैल्यू निकला फोर एक्स स्क्वायर और माइनस में पंद्रह और प्लस में फोर एक्स इक्वल टू जीरो, इसको सजा लेंगे तो यहाँ पे सजा कर लिख लेंगे हम, यहाँ पे हम लोग चार एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और प्लस में चार एक्स लिख लेते हैं और माइनस में पंद्रह इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोग द्विघाती सूत्र लगाते हैं, तो द्विघाती सूत्र ये होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए बी का मान निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर को चार, बी का वैल्यू हो जाएगा चार और सी का वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस पंद्रह। अब यहाँ से माइनस बी एक्स का वैल्यू मतलब हम निकालते हैं, तो माइनस बी बी का वैल्यू हमारा यहाँ चार है तो माइनस चार और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है चार तो चार का स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो फोर हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारा है चार और सी का वैल्यू है माइनस पंद्रह और बट्टा में क्या है टू ए तो दो हो गया और ए का वैल्यू है चार और एक्स बराबर हो गया माइनस चार और प्लस माइनस रूट अंडर चार का स्क्वायर सोलह और माइनस माइनस प्लस है चौक सोलह और देखिए पंद्रह चौक साठ और साठ में यहाँ पे चार से गुना करेंगे तो साठ में चार से गुना करेंगे तो दो सौ चालीस, दो सौ चालीस हो गया और बट्टा में क्या हो जाएगा चार दूनी आठ, यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा माइनस चार और प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा छः और चार एक पाँच और यहाँ पे दो सौ छप्पन, अभी हो गया बट्टा में आठ,
अब 256 किसका होता है, तो 256 हमारा होता है, तो 256 यहाँ निकालते हैं, तो 256 का निकालेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 से निकालेंगे 6 दूनी 64, 2 से फिर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, यानी 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16, 16 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा निकल जाएगा -4, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1 16 बट्टा क्या हो जाएगा 8, और 1 हो जाएगा -4 -16 बट्टा यहाँ पे 8, इसको घटाएंगे तो आएगा 12 बट्टा 8, और 1 आएगा हमारा 20 बट्टा 8, यहाँ पे 10 × 20, 4 × 8, 2 × 4, 5 × 10, ये हो जाएगा 4 × 8, 6 × 12, 3 × 6, 2 × 4, तो यहाँ पे 3 बट्टा 2 एक आया है, और एक आया है 5 बट्टा 2, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।